तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे Realme 11 Pro Plus को हमको यूज करते हुए लगभग ऑलमोस्ट 90 दिन जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कई सारे रिव्यूज जो है प्रोवाइड करवाए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, और Realme 11 Pro Plus से रिलेटेड जैसे कि आपको पता है बैटरी ड्रेन हो गया, बैटरी चार्जिंग हो गया, या इसका पूरा रिव्यू है तो उसके लिए मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको पता है कि यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल जो स्टार्ट हो चुकी है और बिग बिलियन डे सेल चल भी रही है, ठीक है। ऐसे में ये डिवाइस जो है आपको यहाँ पे 24,200 रुपए के आसपास जो है देखने को मिल जा रहा है पूरा डिस्काउंट लगाने के बाद। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इस डिवाइस के हैंग से रिलेटेड जो है हैंग वाले टॉपिक पर बात करने वाला हूं, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे 8GB 128GB का ये वेरिएंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इतने दिन लंबा यूज हुआ है इसमें जो हैंग की जो परफॉर्मेंस है रिव्यू है वो क्या निकल के आ रहा है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि एज पर्सनली मैंने इस डिवाइस को जो है रन किया हुआ है 90 डेज के अंदर, और इस डेज में मेरे को जो भी इसका यहाँ पे एक्सपीरियंस लगा है हैंग से रिलेटेड वो मैं आप तक शेयर करने वाला हूं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जो है सारे जो यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं जो देखना पसंद करते हैं उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंच पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ Realme 11 Pro Plus के बारे में। देखिए हैंग एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे आपको कई सारी इरिटेशन जो है फ्यूचर में जनरली आपको क्रिएट होने लगती है, बिकॉज हमारा डिवाइस जब स्लो वर्क करता है, जब हैंग करने लगता है, प्रॉपर तरीके से कोई फंक्शन वर्क नहीं करता है, तो हमको डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम होती है। देखिए जो मैंने 90 दिन तक इसको यूज किया ना, अगर मैं हैंग इशू की बात करूं तो देखिए कभी कभी बीच में जैसे स्टार्टिंग में हमने डिवाइस परचेज किया था उसके बाद लगभग कंटिन्यू मतलब एक महीना तक या कहें 35 दिन के आसपास तक डिवाइस बहुत ही ज्यादा स्मूथ चला था, जब तक यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को अपग्रेड नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट को अपग्रेड करा, ज्यादा तो नहीं कह सकते मतलब थोड़ा सा लैगिंग इशू हमको देखने को मिला था, बट जो नया अपडेट पुट आउट किया गया था जब यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 से 40 दिन के बाद, तो वहां पे उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की बिल्कुल कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो चीज हुआ भी था, और वापस से हमारा डिवाइस जैसे पहले रन कर रहा था वैसे ही रन करने लग गया था। कभी कभी होता है हम कई सारी एप्लीकेशन को मल्टीटास्किंग में जो यूज करते हैं, और ऐसे में कुछ एप्लीकेशन में मेरे को प्रॉब्लम देखने को मिली थी, जैसे कि अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन मिनिमाइज में रखता था मल्टीटास्किंग में, तो एक्चुअली में होता क्या था कि जिस वर्क को मैं जहां छोड़ के रखता था वापस से अगर मैं क्लिक करता था तो वो जो है ना एप्लीकेशन जो रीस्टार्ट हो जाती थी। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐप को मतलब फोटो को एडिट कर रहा हूँ, एडिट को करने के साथ साथ मैं सोचूं मल्टीटास्किंग में मैं कोई और काम कर लूं, और उसको मैंने मिनिमाइज करके रख दिया, उसके बाद दिन में अगर 5 से 10 मिनट बाद बैक होता था तो कभी कभी वो जो जितना भी हमारा डेटा था वो पूरा इरेज हो जाता था। ये मिनिमम उस समय तक ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी, लेकिन अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में मैं अभी वही चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो अभी फिलहाल उतना बड़ा इशू नहीं आ रहा है, और जो हैंगिंग का इशू है थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, और अगर आने वाला जो अपडेट होगा हो सकता है कि आने वाले अपडेट में जो फिक्स है इस जो सॉफ्टवेयर को लेकर हो सकता है कि वो देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता है टीम यहाँ पे मंथली वाइज जो सॉफ्टवेयर अपडेट जो वर्क करती है और मंथली वाइज जो यहाँ पे अपडेट भी प्रोवाइड करवाती है, और जो प्रॉब्लम होती है जो इशू होता है उनको यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब देखिए बात यह आती है कि भाई डिवाइस को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे कितने भी हाई प्राइस का भी डिवाइस परचेस करेंगे तो उसमें कभी ना कभी आपको अपडेट के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम अपडेट के बाद ही आती है। अपडेट से पहले अगर लॉन्च होता है फोन उसमें आप यूज करते हैं तो वहां पे वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करता है, चाहे चार्जिंग होगा चाहे हैंग होगा सारी चीज मतलब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे टाइम जो है स्पेंड होता है ना वैसे वैसे क्या होता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड नए वर्जन पर रन करते रहते हैं, और ऐसे में एप्लीकेशन के भी नए वर्जन आते हैं, कभी कभी एप्लीकेशन भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जरूरी कि फोन ही जो है हैंग का प्रॉब्लम इशू का एक मेन रीजन है, यहाँ पे एप्लीकेशन के कुछ बग्स वगैरह वो भी ऐसे रहते हैं जो कि टारगेट करते हैं हमारे डिवाइस को, और उसकी वजह से भी हमारा डिवाइस जो हैंग करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कभी कभी एप्लीकेशन की वजह से भी आ जाती है, तो मे बी सिक्योर करने की आपको फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको आपको देखना है। और देखिए जो भी आप प्राइस इन्वेस्ट कर रहे हैं 25,000 के आसपास आपको ड्यूल 5G यहाँ पे मिल जा रहा है, मतलब ड्यूल 5G का जो सिम है इसमें, क्योंकि ड्यूल 5G ही चलता है ये अच्छी बात है और काफी अच्छे से वर्क करता है, स्पीड भी काफी अच्छी मिलती है। तो अभी फिलहाल से जो भी अपडेट आया हुआ है आप हमको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। अगर आपको हैंग का इशू लग रहा है, अगर अभी मतलब जो भी है आप नेक्स्ट जो आने वाला समय है आने वाला अपडेट है उसमें आपको इस हैंग का जो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे तो कई सारे डिवाइस को रोल आउट हो गया है, जिन डिवाइस को मिल गया काफी अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला उनको वेट करना है। तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको Realme 11 Pro से रिलेटेड जो भी मैंने डिवाइस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाई वो आप जरूर से आपको मिली होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप बताइएगा कि आपको इस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है देखने को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।